हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, ये फिजिक्स के लिए ध्यान रखेंगे। फिजिक्स में जो लाइट वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना और किस तरीके से प्रॉपर विजन होता है या दृष्टि ज्ञान होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो मेरा वीडियो है, ये फिजिक्स वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट है क्योंकि ये, ठीक। चलिए तो हम यहां पर पढ़ते हैं सीधा सीधा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में आते हैं। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना। तो आप ये ध्यान देना कि यहां पर पूरा क्या है कि होल है, एक एक गड्ढा है और उस गड्ढे में एक आई बॉल सेट है, ठीक है। ये जो हमारा नेत्र है, नेत्र किस फॉर्म में रहेगा ध्यान रखेंगे, ये आपका आई बॉल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक बॉल है, वो यहां पर क्या है कि ये जो पूरा होल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। इसको अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ऑर्बिट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, तो हमारा जो आई है ये क्या है, बॉल के रूप में है, ध्यान रखना है। और ये बॉल का जो बाहर अपने को दिखाई दे रहा है, मतलब ये हम बोल दें कि हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है, अभी पूरा इसको अपन डिटेल करेंगे, एक बॉल के रूप में है। किस फॉर्म में है आपका, एक बॉल के रूप में है। और इस बॉल का जो पूरा ये पार्ट अपने को बाहर से दिखाई देता है, तो ये पार्ट इसका क्या है, पूरा ओवरऑल 1/6 है। कितना पार्ट है आपका ध्यान रखेंगे, आई बॉल का ये 1/6 पार्ट को अपन बाहर से देख पाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अपने को हमारा नेत्र या जो आई बॉल है या जो नेत्र गोलक है, इसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं ध्यान रखेंगे, ये नेत्र गोलक कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये नेत्र गोलक बोलते हैं। तो इसका पूरा जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका केवल इतना पोर्शन अपने को बाहर से दिखाई देता है, तो यह है 1/6 पार्ट जिसको हम बाहर से देख पाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब ये आई बॉल के रूप में है, तो बॉल के रूप में इसका क्या है, डायमीटर होगा। इसका क्या होगा आपका, एक डायमीटर होगा, ठीक है, व्यास होगा इसका। तो इसका जो डायमीटर है ये रहता है ध्यान रखेंगे यहां पर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमीटर या जो व्यास होगा वो कितना रहता है आपको ध्यान रखना है, 2.5 सेंटीमीटर ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अभी अपन देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है ध्यान रखना है आपको, ये वाला पॉइंट रहेगा रेटिना, ठीक है। इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है आपका, रेटिना में होता है, इस पॉइंट पे। पूरा डायग्राम में अभी आपको बताऊंगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि रेटिना में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, वो इमेज कितने समय के लिए रहता है, ऐसा नहीं कोई भी जो इमेज फॉर्मेशन हमारे आई में हो रहा है तो वो कितने समय के लिए रहता है। तो आपको ये ध्यान रखेंगे आपका कि 1/16 ऑफ अ सेकंड, ठीक है। मतलब एक सेकंड के 16वें हिस्से तक का जो टाइम है, वहां तक का हमारा जो इमेज है रेटिना में फॉर्म हो रही है, उतने समय तक का वहां पर वो स्थिर रहेगी, अपने को ध्यान रखना है। सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, कि कोई इमेज फॉर्म हुई है वो इमेज कितने समय के लिए रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सेकंड का जो 16वां हिस्सा है, उसने समय तक का वो इमेज अपने को दिखाई दे सकती है, ध्यान रखेंगे 1/16 ऑफ अ सेकंड, ये ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। चलिए इसके अलावा, ये तो आपने जनरल पढ़ा ही होगा कि जो भाई मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस मतलब किसी चीज को यदि हमको अच्छे से पढ़ना है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, मैक्सिमम आपका ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। मतलब किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि यदि इससे और अपन पास लेंगे तो आप ध्यान देना कि आपको फिर आंख दुखने लग जाती है, ठीक है। तो ये मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है आपका, इनफाइनाइट, अनंत है। इसीलिए हम जो भी एस्ट्रल बॉडीज हैं या जो आकाशीय पिंड हैं, जो कितने लाइट ईयर के डिस्टेंस में अपने को मालूम भी नहीं, उनको अपन देख पाते हैं, तो ये पॉसिबल है किसके कारण, मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो दो आपका ये समझ जाइए जो मैक्सिमम है वो दूर के लिए क्या है आपका, मैक्सिमम है, और पास के लिए क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो ये छोटे मोटे पॉइंट थे जिनको अपने को याद रखना है, और इसके बेस पर
अब हम पूरा बनाते हैं, ये जो आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है इसको अपने यहां पर समझना है, सीधा अपन उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये जो हमारा आई बॉल है ये टिशू की तीन लेयर से बना हुआ है। आई बॉल है जो हमारा नेत्र की जो संरचना है ऊतक की तीन परतों से बनी हुई है। ठीक है, आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर ऑफ टिशू, टिशू की तीन लेयर से बनी हुई है। ये टिशू की यदि आप ये तीन लेयर को देखेंगे तो थ्री लेयर आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ध्यान देना, यहां पर ये हो गया, ये आपका ठीक है। तो यहां पर अब आप देखिए, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया आई बाल का, यहां पर अपने को थ्री लेयर को रिप्रेजेंट करना है। कितने लेयर को अपने को रिप्रेजेंट करना है, ये टिश्यू की थ्री लेयर को अपने को यहां पर ये रिप्रेजेंट करना है, टिश्यू की थ्री लेयर। ठीक, ये ध्यान देंगे, ये कॉर्निया, कॉर्निया के सेंटर से, कॉर्निया के सेंटर से यदि अपन यहां तक का जाते हैं तो यहां पर अपने को आगे चल के एक पॉइंट मिलेगा जिसको बोलेंगे येलो स्पॉट। अभी वहां पर पहुंचेंगे हम, पहले डायग्राम को अपन क्लियर कर देंगे। तो ये टिश्यू की पहले तो अपन क्या है, यहां पर ये थ्री लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, टिश्यू की ये थ्री लेयर फॉर्म हो रही है। ये हो गया आपका टिश्यू की थ्री लेयर आपको दिखाई देगी, ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक, देखो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आपको दिख रही है सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक, ये सबसे बाहर वाली लेयर हो गई आपकी, ये इस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे यहां पर स्क्लेरॉइड। इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखेंगे आपका, ये आउटर मोस्ट लेयर है जो आई बॉल की, इस लेयर को आप क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है, ये स्क्लेरॉइड। अभी हम देखेंगे जो स्क्लेरॉइड लेयर है, ये ध्यान देना, ये इस क्लेरा किससे वर्ड बना है, ध्यान रखना, ये इस क्लेरा से वर्ड बना हुआ है। स्क्लेरा का मतलब होता है हार्ड टिश्यू, स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, हार्ड टिश्यू मतलब कठोर। अपन जो पढ़ते हैं प्लांट में, जो पढ़ाया मैं स्क्लेरेनकाइमा, प्लांट में क्या बताया मैं आपको, फ्लोयम स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोयम आपका, इसके अलावा जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, फिर फाइबर वाले टॉपिक में पढ़ाया कि फाइबर या रेशा क्या होता है, तो फाइबर या रेशा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो स्क्लेरा वर्ड कहीं पर भी आ जाए उसी से बना है स्क्लेरॉइड। तो स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्लेरॉइड है ये आपका क्या है, हार्ड टिश्यू है, और हार्ड है तो इसका काम क्या है, टू प्रोटेक्ट आवर आई, यह हमारे नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। और ये जो स्क्लेरॉइड है इसी का जो यहां पर बाहर की तरफ अपने को जो एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, कॉर्निया कहलाता है। तो स्क्लेरॉइड का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, स्क्लेरॉइड आपका हार्ड टिश्यू है और काम इसका क्या है, ये बाहर की तरफ ये उभार बनाएगा। ये जो उभार अपने को दिखाई दे रहा है इस उभार को आप क्या बोलेंगे, ध्यान देना यहां पर, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहां पे, कॉर्निया, मतलब कॉर्निया क्या है, आउटर एक्सटेंशन ऑफ स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड का बाहर की तरफ जो उभरा हुआ भाग है ये अपने को क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब दूसरे लेयर की हम बात करते हैं, ये सेकंड वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, सेकंड वाली लेयर क्या रहेगी, डार्क रहेगी। सेकंड वाली लेयर क्या रहेगी आपका, ये डार्क रहेगी। ठीक है, ये डार्क क्यों है, ध्यान देना, तो यहां पर क्या है, मोर नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, यहां पर क्या है आपका, पर्याप्त संख्या में रक्त नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा आपका, ब्लड रहेगा। ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये ब्लड पाया जाएगा। तो जो सेकंड वाली लेयर है ये क्या है आपका, ध्यान रखेंगे, ये डार्क लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये डार्क लेयर आपका क्या कहलाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको अपन बोलते हैं यहां पर कोराइड। इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको कोराइड कहा जाता है। ठीक है, ये डार्क लेयर क्या हो गई, कोराइड हो गई। अब ये डार्क क्यों है, ध्यान देना,
डार्क बोलने का मतलब क्या है कि इसमें पिगमेंट पाया जा रहा है। इसमें क्या पाया जा रहा है? पिगमेंट पाया जा रहा है। इसमें विशेष प्रकार का जो पिगमेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है इसमें? ध्यान रखना, ये जो कोरायड लेयर है इसमें ब्लड वेसल तो है ही, रक्त नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल के अलावा इसमें एक और प्रकार का पिगमेंट आपको मिल रहा है। ये कौन सा पिगमेंट है? तो ध्यान रखेंगे मेलेनिन पिगमेंट। पहले भी इसको हम पढ़ चुके हैं कि भाई जैसे मैंने बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्ती हरी दिखाई देती है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण रेड कलर आता है। तो वैसे ही हमारे स्किन का जो कलर कि कोई अपने को डार्क दिखाई दे रहा है और कोई अपने को फेयर दिखाई दे रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेलेनिन पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मेलेनिन पिगमेंट यदि अधिक मात्रा में है तो डार्क स्किन वाला होगा और मेलेनिन पिगमेंट यदि कम अमाउंट में है तो फेयर स्किन वाला होगा। मेलेनिन पिगमेंट का काम क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड हीट। मेलेनिन पिगमेंट हमको तीव्र प्रकाश और उच्च तापमान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आयतन में मतलब अपने को ध्यान रखना है कि भाई जो लोग इक्वेटर के पास रह रहे हैं, भूमध्य रेखा के पास में रह रहे हैं, उनके बॉडी में आपका मेलेनिन पिगमेंट अधिक मात्रा में है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास आपको मालूम है कि आपका अत्यधिक गर्मी होती है और बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट जो सूर्य के प्रकाश की सीधी किरणें हैं उनका प्रभाव अपने को दिखाई देता है। कहां पर? इक्वेटर पे या भूमध्य रेखा पर? तो जो भूमध्य रेखा पर जो लोग रह रहे हैं उनको तीव्र प्रकाश और उच्च तापमान से बचने के लिए मोर अमाउंट में मेलेनिन पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आप देखेंगे जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल आपको डार्क स्किन वाले दिखाई देंगे। आयतवन में, क्योंकि डार्क स्किन मतलब मेलेनिन पिगमेंट। और ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड हीट। ठीक है, उच्च तीव्रता का प्रकाश और उच्च तापमान के विरुद्ध सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? मेलेनिन पिगमेंट। और आपको ध्यान रखना है कि हमारे पूरे बॉडी में लाइट के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो क्या है? आपका आई। हमारे पूरे बॉडी में प्रकाश के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील भाग है वो क्या है? आपका हमारी आई। इसलिए हमारे आई के आसपास आपको सफिशियंट अमाउंट में मेलेनिन पिगमेंट दिखाई देगा। आया समझ में? ये देखिए ये आईलेसेस है, समझ में आए कि नहीं? आईलेसेस में क्या है? आपका हेयर। हेयर में क्या है? मेलेनिन पिगमेंट है। ये आईलेसेस यहां पर क्यों बना है? भाई हाई इंटेंसिटी की लाइट जब यहां से इंटर करेगी तो कुछ अमाउंट में लाइट को ये आईब्रो जो हमारी ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। आया समझ में? क्योंकि हमारे नेत्र में एक लिमिटेड अमाउंट में लाइट इंटर करना चाहिए। यदि अधिक मात्रा में प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करेगा तो रेटिना डैमेज हो जाएगी। आयतन में, और रेटिना डैमेज हुई मतलब समझ जाइए कि विजन पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा, मतलब दृष्टि ज्ञान जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। आयतन में तो उसी सीक्वेंस में हमारी जो आई है, आई में आपको सेंटर में जो ब्लैक दिखाई दे रहा है राउंडेड, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? आयरिस कहलाता है। वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका आयरिस कहलाता है। तो अब यहां पर देखिए, हमने सेकंड लेयर कौन सा देखा? यहां पर कोरायड लेयर को देखा। तो कोरायड लेयर का फंक्शन क्या होता है? ध्यान रखना, कोरायड लेयर आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उस घटना से इसको क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा। आया था, मतलब जो इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर नहीं होना चाहिए। अभी अपन देखेंगे कि भाई ये लाइट यहां से आएगी तो लाइट को क्या होना है? केवल यहां पर फोकस होना है। और ये यहां पर जो रेड कलर अपने को यार जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है, तो कोरायड का फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड या प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो ना हो पाए, तो उससे क्या करता है? आपको बचाता है। ये ध्यान रखना है। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आगे चल करके फिर अपन यहां पर देखेंगे। तो ये हुआ आपका कोरायड लेयर को आप जान गए। अब ये जो कोरायड लेयर है, इसी कोरायड लेयर का आगे चल के जो अपने को एक्सटेंशन दिखाई देगा, ये अपने को दिखाई देगा यहां पर आयरिस के रूप में। किस रूप में अपने को दिखाई देगा? यहां पर ध्यान देना है, ये आयरिस के रूप में दिखाई देगा अपने को। ये कोरायड का जो एक्सटेंशन है, इधर भी आपको रहेगी कोरायड की लेयर। ठीक है, ये भी हो गया यहां पर आपका ये। ठीक, ये अब यहां से आप देखेंगे, अभी इसको अपन डबल करेंगे यहां पर। ठीक है, तो डबलिंग जब इसकी होगी तो आपको यहां पर ये दिखाई देगा।
कि किस तरीके से ये बनता है यहां पर आयरिस अपने को फॉर्मेशन होगा। तो आयरिस किससे बनाए ध्यान रखना है, आयरिस का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा, ये जो कोराइड लेयर है, कोराइड का जो एक्सटेंशन है वो क्या बनाएगा यहां पर, आयरिस का फॉर्मेशन करेगा। हो गया क्लियर, मतलब ये जो डार्क वाला जो पोर्शन आपका बना है, ठीक है, इस डार्क वाले पोर्शन में, मतलब हम आप सिंपल तरीके से हम बोले कि हमारे नेत्र में जो आपका, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा नेत्र के बीच में अपने को ब्लैक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, आयरिस कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, ध्यान रखेंगे, ये हो गया आपका आयरिस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आयरिस है, आयरिस में जो पिगमेंटेशन पाया जाता है, आयरिस में क्या पाया जाता है, पिगमेंटेशन पाया जाता है, और ये पिगमेंटेशन डिसाइड करता है कि हमारी आंख ब्राउन है कि ब्लैक है या ब्लू ग्रीन है। अब यहां पर आप फिर से ध्यान देना कि भाई यदि आयरिस में मोर अमाउंट में मेलेनिन पिगमेंट है तो आई क्या होगी, ब्लैक या ब्राउन होगी, ऐसा में। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कम होते जाती है, प्रकाश की तीव्रता या सूर्य के किरण की जो तीव्रता है उसका प्रभाव क्या होते जाता है, कम होते जाता है या डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, फार अवे इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाने पर। तो भाई इक्वेटर से हम दूर चले गए, हम कहां चले गए, यूरोपियन पॉपुलेशन में, तो यूरोपियन पॉपुलेशन के लोगों को आप देखोगे तो वहां पर उनको मेलेनिन पिगमेंट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उनकी जो आई है या उनकी जो आयरिस है, उनकी आयरिस कैसी रहती है, आपका ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, आयकान में कि नहीं। जो यूरोपियन पॉपुलेशन है या जो रशियन लोग हैं, उन लोगों को आप देखेंगे तो उनकी जो आयरिस है हमारे समान ब्लैक या ब्राउन नहीं रहेगी, उनकी आयरिस कैसी रहती है, ब्लू या ग्रीन होती है। क्यों, क्योंकि उनको मेलेनिन पिगमेंट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमको है। तो ये इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिए ये बन गया आयरिस, बन गया आयरिस के सेंटर में आपको ये ऐसा होल जैसा दिखाई देता है, आयरिस के सेंटर में आपको क्या दिखाई देगा, ये एक होल जैसा दिखाई देगा। तो ये जो होल दिखाई दे रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, इसको होल को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, प्यूपिल कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो होल जैसा बना हुआ है ये क्या हो गया आपका, ये हुआ आपका प्यूपिल हो गया। आया अच्छे तरीके से समझ में। अब यहां पर पॉइंट को देखना कि जो मेलेनिन पिगमेंट है, मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है कि यदि तीव्र प्रकाश रहेगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी तो ये फैलेगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो क्या होगा, ये फैलेगा। मतलब ये आपका जो मेलेनिन पिगमेंट है यदि यहां पर तीव्र प्रकाश पड़ रहा है तो ऐसा करके फैलेगा, और फैल करके जो प्यूपिल का साइज है उसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, पिपल का साइज को क्या कर देगा, ये छोटा कर देगा, ध्यान देंगे। अब यहां पर ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन मतलब ये है कि कितने अमाउंट में लाइट इंटर करना चाहिए, उसका रेगुलेटिंग पावर किसके पास है, आयतन उसका रेगुलेटिंग पावर किसके पास है। तो यहां पर ध्यान रखना कि अधिकांश बुक्स में इसका आंसर क्या है, पिपल लिखा रहता है, ठीक है। और मैं भी कई बार बुक्स वगैरह को देखा तो मजबूरी में मैं लोगों को बोल देता था कि आपको पिपिल आंसर देना है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं कि आपको पिपिल आंसर नहीं देना है, आपको आंसर क्या देना है, यहां पे आयरिस आंसर देना है। क्योंकि देखिए जो पिपिल है, पिपिल वास्तव में क्या है, एक प्रकार का होल है, पिपिल क्या है, एक प्रकार का होल है, एक प्रकार का छिद्र है, और ये आपका आयरिस यदि इधर ऐसे करके फैलेगा तो ये छिद्र क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और यदि इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये सिकुड़ेगा, तो उस केस में पिपिल क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। मतलब जो पिपिल का साइज है ये रेगुलेट हो रहा है, किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, आयरिस के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है, आयकन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्रेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट इज रेगुलेटेड बाय, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो वहां पर अपन आंसर क्या देंगे, अपन आयरिस देंगे, और यदि कोई गलत आंसर लेता भी है तो फिर अपन विथ एविडेंस उसको अपन क्या है कि क्लेम करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो अब यहां पर देखिए ये आपका आयरिस क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपका पिपिल क्लियर हो गया। मतलब जो आयरिस है एक्चुअल में किसका एक्सटेंशन है, तो आपको ध्यान रखना एक्सटेंशन है किसका, आपका ये जो कोराइड लेयर है उसी का एक्सटेंशन है, ये ध्यान रखना है। अब कोराइड के बाद ये वाली जो लेयर अपने को आ गई, ये क्या हो गई हमारी इनर मोस्ट लेयर हो गई, ये क्या हो गई आपका इनर मोस्ट लेयर हो गई, ये थर्ड नंबर की जो लेयर है या तीसरे नंबर की जो परत है
इस लेयर को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, रेटिना। इस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखना यहां पर, ये हो गई आपका रेटिना, आई फाइन। तो रेटिना आपको ध्यान रखना है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्या है यहां पर, रेटिना, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, मतलब जो हमारी आई बॉल है उसकी जो सबसे भीतर की परत है वो क्या है आपका, रेटिना है। और इसी रेटिना में अभी हम पढ़ेंगे, यहां पर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। यहां पर कितने प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, ये दो प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, ध्यान रखेंगे। एक सेल्स इस तरीके से रॉड के समान रहेगी और दूसरी सेल्स आपका क्या है, इस तरीके से ये कोन के समान रहेगी। तो इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, ध्यान रखना है, ये रॉड सेल, इसको अपन क्या बोलेंगे, रॉड सेल। और ये वाली सेल को अपन क्या बोलेंगे, अपन यहां पर ये कोन सेल कहा जाएगा। और अभी आगे चलकर हम इसका डिटेल पढ़ेंगे कि रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इन डिम लाइट, मतलब जो हमको कम प्रकाश में दृष्टि ज्ञान होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, रॉड सेल, है ध्यान में। और जो कोन सेल है, कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट एंड आल्सो फॉर कलर डिफ्रेंसिएशन और रिकॉग्नाइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी कलर, आए थे ना, अपन पढ़ चुके हैं अभी कुछ दिन पहले कि प्राइमरी कलर कितना होता है, थ्री होता है प्राइमरी कलर, रेड ब्लू और ग्रीन। तो वो थ्री प्राइमरी कलर को रिकॉग्नाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो किसके पास है, कौन सेल के पास है। तो आपको ध्यान रखना है इस रेटिना में अपने को टू टाइप ऑफ सेल्स पाई जाएगी, रॉड सेल्स एंड कौन सेल्स। रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन डिम लाइट, मतलब कम प्रकाश में भी अपने को दृष्टि ज्ञान हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका, रॉड सेल्स। और ब्राइट लाइट तीव्र प्रकाश में भी अपने को दृष्टि ज्ञान हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, कौन सेल्स, आया ध्यान में। और ये ध्यान रखना है कि रेटिना में ये दोनों पाई जाती हैं, कौन कौन आपका, रॉड सेल और कौन सेल्स पाई जाती हैं। और ये देखिए यहां तक का हुआ, यहां से यदि अपन स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट में अपने को क्या है जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, रेटिना। देखो हमने ये बोल दिया कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना में होता है, इमेज का फॉर्मेशन या प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है आपका, रेटिना में होता है। लेकिन रेटिना में भी स्पेसिफिक प्लेस, तो जो स्पेसिफिक प्लेस, ये आपको स्मॉल डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, छोटा सा गड्ढा जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, येलो स्पॉट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ये येलो स्पॉट, या इसी को बोला जाता है यहां पर मैक्यूला ल्यूटिया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया। इट इज द स्पेसिफिक एरिया ऑफ रेटिना विच कंटेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ कोन सेल्स, आया ध्यान में। मतलब ये जो मैक्यूला ल्यूटिया है या जो आपको दिखाई दे रहा है येलो स्पॉट, तो यहां पर आपको सफिशियंट अमाउंट में कौन सेल्स पाई जाती है, तो कौन सेल्स पर्याप्त मात्रा में होने के कारण यहां पर वेल क्लियर इमेज का फॉर्मेशन होता है या सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होता है। तो आपको आंसर क्या देना है, ये आपको आंसर देना है क्या चीज, यहां पर येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया। और ये जो येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया है, इसमें भी यदि अपन बात करें कि भाई ये जैसे हमारे पास क्या येलो स्पॉट या मैक्यूला ल्यूटिया है, तो इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, फोविया सेंट्रलिस। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस कहा जाता है। आया ध्यान में, बोलने का मतलब यह है कि पहला सिंपल क्वेश्चन, इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रेटिना। दूसरा क्वेश्चन, रेटिना में किस पॉइंट पर, तो रेटिना में किस पॉइंट पर, येलो स्पॉट या मैकुला ल्यूटिया। क्यों, बिकॉज इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ कौन सेल्स, क्योंकि यहां पर अधिक संख्या में या पर्याप्त संख्या में कौन सेल्स पाई जाती है। फिर आपको बोलेगा कि भाई जो मैक्यूला ल्यूटिया या जो येलो स्पॉट है उसका बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, तो सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे, एक अपन फोविया सेंट्रलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं अपन, ये फोविया सेंट्रलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हुआ हमारा यहां पर, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये आप ध्यान रखेंगे, अभी रॉड सेल और कोन सेल का पूरा फिजियोलॉजी को अपन पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम समझ रहे हैं यहां पर। तो ये हो गया रेटिना हो गया। अब यहां पर देखिए भाई, ये जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, यहां पर जो इमेज फॉर्म होती है, ये अपन क्या पढ़ते हैं, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं क्या चीज आपका, ये वास्तविक और उल्टा,
ठीक है, वास्तविक उल्टा बोलने का मतलब क्या हुआ, कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज, और कैसी है आपका ये इन्वर्टेड, ये कैसी इमेज है आपका रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगा रियल, रियल बोलने का मतलब कि भाई आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपकी ही इमेज बनेगी रियल इमेज, लेकिन वो इमेज क्या रहेगी, उल्टा उल्टा। लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन उसको रिसीव करेगा क्या, आपका सीधा उसको रिसीव करेगा, आयरन में। तो ये यहां पर आप देखिए कि यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, समझ में आया कि नहीं। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखना कि इमेज तो बन गई, इमेज बनने के बाद यहां पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये एरिया है आपका ऑप्टिक नर्व का, किसका एरिया है आपका, ये जो नर्व आपको दिखाई दे रही है, इस नर्व का नाम क्या ध्यान रखेंगे, ये ऑप्टिक नर्व, ये एरिया मतलब ये जो आपको नर्व तंत्रिका कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये जो नर्व है ये नर्व क्या कहलाएगी आपका, ऑप्टिक नर्व कहलाएगी। तो ऑप्टिक नर्व, देखिए इमेज का फॉर्मेशन हुआ रेटिना में, ये ऑप्टिक नर्व मैसेज करेगी किसको, ब्रेन को मैसेज करेगी, फिर ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब यहां पर जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है, जो उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ है, वो फोकस होगा जाकर के कहां पर आपका, ब्रेन में, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। भाई यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हुआ, उल्टा बना, फिर उल्टा सीधा हो जाएगा कहां पर जाकर के आपका, ब्रेन में, ब्रेन क्या करेगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ब्रेन क्या करेगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये आपका केशव है, कि प्रांजुल है, कि अपना हैप्पी भाई है, आया समझ में कि नहीं। तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन ब्रेन तक का मैसेज लेकर के कौन जाएगा, तो ब्रेन तक का मैसेज लेकर कौन जाएगा, ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये मैसेज वहां पर कन्वे किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, आया समझ में। तो कई बार क्या होता है, ध्यान रखिए कि भाई जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते चले जाती है, तो उस केस में जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है, आयोजन में। तो भाई जैसे होगा क्या कि भाई मान लेते कोई एक 80-85 साल का कोई एक व्यक्ति है, उस 80-85 साल के व्यक्ति से जब आप मिलेंगे आयोजन में, तो आप यहां पर ये खड़े हैं, उसके रेटिना में आपका इमेज बना, आयोजन में जो 80-85 साल का व्यक्ति आपको देख तो पा रहा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो आपको यही बोलेगा कि यार मैं आपको देख तो पा रहा हूं लेकिन मैं पहचान नहीं रहा हूं। तो पहचान नहीं रहा हूं बोलने का मतलब क्या है कि भाई इमेज तो यहां पर फॉर्मेशन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्टिक नर्व है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो मैसेज ब्रेन तक का नहीं जा पा रहा है, और मैसेज जब ब्रेन तक का नहीं जा पा रहा है तो उस केस में इमेज तो बनेगी लेकिन वो इमेज किसकी है ये पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ये ओल्ड स्टेज में। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका हमारा यहां पर रेटिना से संबंधित। और ये जो ऑप्टिक नर्व है रेटिना में जिस पॉइंट पे जा करके ओपन होती है, कहां पर ओपन होगी आपका, ये रेटिना में जिस पॉइंट पे ओपन होती है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की अपने को सेल्स वगैरह नहीं पाई जाती है, मतलब लैक ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, मतलब ये जो ऑप्टिक नर्व है रेटिना में जिस पॉइंट पे जाकर के कनेक्ट होगी, तो वहां पर रॉड और कोन सेल्स नहीं पाई जाती है, मतलब वहां पे इमेज का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो जो एरिया है, वो एरिया किस नाम जाना जाता है, ध्यान रखेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट, उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे ये ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या हो गया कि जंक्शन ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक नर्व ऑन रेटिना वेयर लैक ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स, वहां पर रॉड और कोन सेल्स अनुपस्थित होने के कारण यहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर इसकी जो थ्री लेयर है, ये थ्री लेयर का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ध्यान देना। इधर की भी तीन लेयर को पहले अपन आप कंप्लीट कर दें, ये तो आपको क्लियर हो गई। जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर को आप क्या बोलोगे, स्क्लेरॉइड, आउटर मोस्ट जो लेयर है ये क्या कहलाएगी आपका, ये स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड के बाद आपका जो सेकेंड वाली लेयर है, स्क्लेरॉइड के बाद सेकेंड लेयर आपका क्या है, कोराइड लेयर है। सेकेंड लेयर कौन सी आपका, इसके बाद ये कोराइड लेयर आपका आ गई है। तो कोराइड लेयर क्या रहेगी आपका,
डार्क पिगमेंटेड रहेगी, तो डार्क पिगमेंटेड किसके कारण ध्यान रखना है आपको, ये डार्क है किसके कारण आपका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन पिगमेंट एंड सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहां पर पर्याप्त संख्या में क्या पाया जा रहा है आपका, ये ब्लड वेसल्स या रक्त नलिका यहां पर पाई जा रही है। हुआ क्लियर अच्छे तरीके से? और उसके बाद ये आपका जो थर्ड वाली लेयर है, थर्ड वाली लेयर क्या कहलाएगी आपका, रेटिना। थर्ड वाली लेयर क्या कहलाएगी आपका, ध्यान रखना है ये थर्ड वाली लेयर हो जाएगी आपका यहां पर ये, इस तरीके से ये हो गई रेटिना। हो गया क्लियर? तो इस रेटिना में जिस पॉइंट पे ये आपका ओपन हो रहा है, कौन ओपन हो रहा है आपका, ये रेटिना का एरिया है, यहां पर ओपन हुआ है कौन आपका, ये ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना में जिस पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व की ओपनिंग हो रही है वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, ध्यान रखेंगे वो एरिया क्या कहलाएगा आपका, ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। ये आई का हमारा स्ट्रक्चर हुआ क्लियर। ये इनर मोस्ट लेयर आपका क्या है, ये रेटिना है, ये अपने को ध्यान रखना है। हो गया क्लियर ये? चलिए, तो ये हमने जो बोला था आई बॉल में अपने को थ्री लेयर ऑफ टिश्यूज दिखाई देती है, ये पूरी स्टोरी हमारी यहां पर क्या होती है, क्लियर होती है। अब यहां से बढ़ा रहा हूं आपको आगे में, ध्यान देना। अब ये जो है ये कॉर्निया, ये क्या हो गया कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आपको क्या मिलेगा, लेंस। कॉर्निया के पीछे क्या मिलेगा आपको, ये है आपका लेंस, ठीक है। तो ये जो लेंस है ध्यान रखना, ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, आपको ध्यान रखना है, आया समझ में। अब यहां से ये जो लेंस है, ये लेंस यहां पर लटका हुआ है एक प्रकार के टिश्यूज के द्वारा, उसको बोलते हैं लिगामेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये लिगामेंट कहा जाता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, आया ध्यान में। इस सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा यहां पर ये लटका हुआ है, और सस्पेंसरी लिगामेंट यहां पर कनेक्टेड है किससे, सीलियरी मसल से। किससे कनेक्टेड है आपका, ये सीलियरी मसल्स के द्वारा ये कनेक्टेड है। तो ये है सीलियरी मसल्स, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये क्या है आपका, लेंस है, ध्यान देंगे, ठीक है। ये मसल्स का नाम क्या है यहां पर, सीलियरी मसल्स। मसल्स का नाम आपका क्या रहेगा, ध्यान देना, ये जो आपको मसल्स दिखाई दे रही है, इस मसल्स का नाम क्या है, ये सीलियरी मसल्स, आया ध्यान में। और ये जो जिसके द्वारा लटकी हुई है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, इसको क्या कहा जाता है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये आपको दिखाई दे रहा है लेंस, तो ये लेंस आपका क्या है, ध्यान रखेंगे यहां पर कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, आया समझ में ये। तो ये सारी चीजों को आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ करके अपन कहां पहुंचते हैं, इसको आपको देखना है, ठीक है। ये तीनों चीज हमारी क्लियर हो गई है, ठीक। अब ये हमारी इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो गई, ये मसल्स, कौन सी मसल्स को हमने बोला, ध्यान रखेंगे, ये सीलियरी मसल्स हो गई, ये सीलियरी मसल्स, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये लटका हुआ यहां पर लेंस, ठीक। अब इधर की स्टोरी को अपन ये देखते हैं, ये तो हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब अपने को देखना है किसको यहां पर, कि भाई जैसे आपका, ठीक, ये हो गया, इसको भी यहां से अपने डिलीट कर दिए, ठीक है। चलिए, अब ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये क्या है कि भाई हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये आया समझ में, ये है कोई एक ऑब्जेक्ट। तो भाई विजन कैसे होता है, विजन किस तरीके से होता है, कि भाई कहीं जो भी सोर्सेज ऑफ लाइट है, वो सोर्सेज ऑफ लाइट यहां पे क्या होगी आपका, फोकस होगी। सोर्सेज ऑफ जो लाइट है इसके ऊपर क्या होगी, फोकस होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका, ठीक है, लाइट यहां पर फोकस हुई, इंसिडेंट रेज वगैरह इसको बोला जाता है, आपतित किरण। और बाद में क्या होगा कि यहां से इसका मतलब ये जो लाइट है ये इधर जाकर के पड़ेगी, तो इसमें हजारों की संख्या में लाइट पड़ रही है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन करने के लिए अपने को दो रेज की अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कितनी रेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, मिनिमम टू रेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से ये जो हमारा जैसे ऑब्जेक्ट है, ये जैसे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहां से जो रेज है ये कॉर्निया किसको पास कर रही है, कॉर्निया, ये आपका ये कॉर्निया को क्रॉस करते हुए ये रेज आपका प्यूपिल में इंटर करेगी, प्यूपिल से इंटर करके ये आपका लेंस को क्रॉस करते हुए, और दूसरी रेज आपका ये है सेकेंड रेज, ये है, ये भी यहां चर्चा करके आगे बढ़ेगी, और ये आगे बढ़ते हुए इनको फोकस करना है, कहां पे फोकस करना है, इनको फोकस करना है कहां पे, आप ध्यान देंगे
इसको फोकस करना है, ये थोड़ा सा मतलब ये प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए इसका। ये एरिया कौन सा हो गया आपका, मैक्यूला ल्यूटिया, ये यहाँ से ऐसा करके जाएगी, ये हुआ और ये यहाँ पर इस तरीके से ये क्या करेगी, ये इसको ये फोकस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइट या जो रेज है इसको इसी पॉइंट पे फोकस करना है। तो ये कैसे फोकस करना है, तो ये जो सिलरी मसल्स है, सिलरी मसल्स लेंस को क्या करती, एडजस्ट करती है। सिलरी मसल्स क्या करती है, लेंस को एडजस्ट करती है। लेंस को एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो सिलरी मसल्स है, ध्यान देना, ये जो सिलरी मसल्स है, कौन सी मसल्स आपका, ये सिलरी मसल्स, ये जो सिलरी मसल्स है ये क्या करेगी, लेंस को एडजस्ट करेगी। कैसे एडजस्ट करेगी कि भाई देखिए, यदि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है सिलरी मसल्स आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया इसमें आपका, ये संकुचन। तो यदि सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जो लेंस है आपका, ये क्या हो गया लेंस, तो लेंस क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे यहां पर, ये ठीक हो गया, लेंस क्या हो गया, मोटा हो गया। मतलब सिलरी मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो लेंस क्या हो जाएगा ऐसा, ये ठीक हो जाएगा, आयतन में। और यदि सिलरी मसल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ये आपका, सिलरी मसल्स यदि रिलैक्स हो रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना है, ये लेंस क्या हो जाएगा आपका, थिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थिन, मतलब मसल्स यदि सिकुड़ रही है, मसल्स क्या हो रही है, सिकुड़ रही है, ये मसल्स क्या हो गई है, सिकुड़ गई, ठीक है। तो मतलब ये ध्यान रखना है यहां पर कि दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कि यदि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो लेंस क्या होगा, थिक होगा, और यदि रिलैक्स हो रही है तो ये लेंस क्या हो जाएगा हमारा, ये थिन हो जाएगा, ये ठीक। तो उसके कारण भाई जो ये आपका फोकस है, ये क्या होगा, प्रभावित होगा। फोकस क्या होगा, प्रभावित होगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फोकस प्रभावित होगा तो इसमें किस तरीके से होता है, आगे चल करके अपन आपको ये क्लियर करेंगे। तो ये जो रेज यहां से आ रही है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस होना चाहिए, और उसको फोकस को कैसे आपका सेट करना है, ये पावर किसके पास है, सिलरी मसल्स के पास, कि सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि रिलैक्स करेगी, कि लेंस को कैसे एडजस्ट करे, कि लेंस को कैसे एडजस्ट करे कि ये प्रॉपर पॉइंट पे फोकस हो। तो ये जो क्षमता है इसको अपन बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। इसको अपन क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर, या हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं समंजन क्षमता। इसको अपन क्या बोलते हैं यहां पर, एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता इसको कहा जाता है, या आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, ठीक है, एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता, ये हिंदी में इसको अपन क्या बोल देते हैं यहां पर, ये समंजन क्षमता या एकोमोडेशन पावर, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, ये एकोमोडेशन पावर, ये हो गया एकोमोडेशन, ठीक है। तो अब यहां पर ये इस तरीके से इस पॉइंट पे जाकर के फोकस होना चाहिए। तो कैसे फोकस होगा, ये सिलरी मसल्स लेंस को एडजस्ट कर रही है कि इस पॉइंट पे जाकर के फोकस हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है आयतन में। और यदि यही अपन बोल दें कि भाई या तो क्या हो गया, ये फोकस पहले हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये जो लाइट का जो फोकस है ये पहले हो गया, तो पहले हो गया मतलब क्या हो गया कि यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मायोपिया, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, मायोपिया, आएगा ना, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक, ये पढ़ने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि यदि प्रॉपर वर्किंग नहीं किया तो ये फोकस आपका क्या है, रेटिना के पीछे भी फोकस हो सकता है। तो रेटिना के पीछे यदि फोकस हो रहा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया। तो ये रेज कहां पर फोकस होना चाहिए ये डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड हो रहा है किसके द्वारा, लेंस के बेस पर ये डिसाइड होता है। और लेंस वर्किंग कर रहा है किसके बेस पे, सिलरी मसल्स के बेस पे वर्किंग कर रहा है ये, आए ध्यान में। तो ये आगे चल करके अपने को पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये हुआ आपका येलो स्पॉट या उसका सेंटर पॉइंट, फोविया सेंट्रलिस। चलिए अब यहां से फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप अपने क्या समझना है यहां पर, तो ये लेंस का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई अपने को
जो विजन हमारा होता है, हमारा जो दृष्टिज्ञान है, ये ध्यान रखेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंस। भाई लेंस यदि आपका कॉन्वेक्स है, मतलब पास की वस्तु को अपने को देखना है, तो लेंस हमारा और कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये कॉन्वेक्स, ये वाली सरफेस आपका आयतन उत्तल होना चाहिए। और दूर की वस्तु अपने को देखना है, तो दूर की वस्तु देखने से सिलरी मसल ऐसा करके काम करेगी, और लेंस से हमारा क्या हो जाएगा कि जो इसका कॉन्वेक्स सरफेस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉनकेव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए अपने को अवतल लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, और पास की वस्तु को देखने के लिए अपने को कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो आगे चल के जो अपन डिसऑर्डर्स आप आई पढ़ेंगे, वहां पर आपको और अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि भाई लेंस, लेंस किस चीज से बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना लेंस किस चीज से बना होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं यहां पर, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से बना होता है, मतलब क्रिस्टल जैसे पदार्थ से हमारा ये लेंस बना हुआ है। और लेंस हमारा कैसा होता है, ध्यान रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, समझ में आया कि नहीं, मतलब ये दोनों तरफ से हमारा लेंस क्या है यहां पर, कॉन्वेक्स, ध्यान रखना है। तो इसको अपन लेंस को ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। और इसके अलावा अब देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भाई जब अपन आई डोनेशन करते हैं, तो आई डोनेशन में हम आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, जब अपन नेत्रदान करते हैं तो नेत्रदान में हम कौन सा पार्ट को डोनेट करेंगे, तो ध्यान रखना बेस्ट आंसर कॉर्निया, और दूसरा क्या आपका लेंस। आई डोनेशन अपन करते हैं, जो नेत्रदान करते हैं तो क्या डोनेट करते हैं हम, तो आपको ध्यान रखना कॉर्निया एंड लेंस। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो बोथ हो गया, लेकिन सिंगल आंसर भी अपने को लेना है, तो सिंगल आंसर लेना है तो वहां पे बेस्ट आंसर आप क्या लेंगे, कॉर्निया। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि लेंस का ऑप्शन है, लेंस का विकल्प है, आप देखते हैं लेंस वगैरह लोग अपना चेंज करवा लेते हैं, लेकिन कॉर्निया का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कॉर्निया का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यदि कोई सिंगल आंसर बोल रहा है तो वह अपन आई डोनेट करते हैं, तो हम क्या डोनेट करते हैं, तो आई डोनेट में आप ध्यान रखेंगे हम कॉर्निया को डोनेट करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉर्निया का जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया, आयरिस का पूरा भी क्लियर हो गया, ये आपका लेंस भी क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए आपको कि ये जैसे मान लिया जाए आई का स्ट्रक्चर को अपन, और यहां से आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान देना ठीक, कि ये मान लिया जाए हमारी स्किन है, ये क्या हो गई, स्किन हो गई, ये स्किन आकर के यहां पर फोल्डेड हो जाएगी, ये देखिए ये हमारी स्किन है ठीक, ये स्किन यहां पर पहुंची, यहां पर पहुंचने के बाद ये फॉर्मेशन करेगी, ये आपका ये ऐसा करके स्किन क्या कर रही है, कॉर्निया को पूरा ये ऐसा करके कवर कर ली है, ये हो गया आसमान में। तो ये ध्यान रखना, ये हमारी स्किन और यहां पर कॉर्निया के पास पहुंची, ये बना दी आईलिड, क्या बना दिए आईलिड, और ये बन गया आईलेसेस ठीक है, मतलब ये बन गई पलक। तो पलक क्या चीज है, फोल्डिंग ऑफ आवर स्किन, हमारे त्वचा का जो वलन है या जो फोल्डिंग है वो आईलिड है, और ये आईलेसेस ये इस तरीके से क्या हो गया, आईलेसेस हो गया, और ये स्किन पूरा फोल्डिंग होकर के पूरा एक कवरिंग बना दी, किसके ऊपर एक कवरिंग बना दी, ये कवरिंग बना दी किसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर, और इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे यहां पर कंजंक्टिवा, क्या बोलते हैं इसको अपन, ये कंजंक्टिवा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कंजंक्टिवा मतलब क्या है, यहां पर स्किन की पूरी एक कवरिंग कॉर्निया के ऊपर ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आई बॉल का पार्ट नहीं है, आयतन में मतलब विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर आई बॉल, तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान रखेंगे कंजंक्टिवा, हमारा आंसर क्या होगा, ये कंजंक्टिवा ठीक है। और ये कंजक्टिवा क्या करती है, हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है, कंजक्टिवा क्या करती है, कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है। और अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, मतलब डिसीज ऑफ आई जब पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होता है कि कंजक्टिवा में जब वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस, क्या बोलते हैं उसको अपन, कंजंक्टिवाइटिस के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कंजंक्टिवाइटिस आइदर इंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, दोनों का इंफेक्शन से मतलब ये हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस, आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो कंजंक्टिवाइटिस का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका लेंस है, ये क्या है आपका, ये लेंस है ये, और ये कॉर्निया, कॉर्निया और लेंस के बीच में आपको जो चेंबर दिखाई दे रहा है,
ठीक है, ये कॉर्निया हो गया और ये क्या हो गया आपका, ये मतलब ये कॉर्निया हो गया और ये क्या हो गया आपका लेंस, ये दोनों के बीच का जो चेंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस चेंबर को अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, एक्वस चेंबर। क्या बोलते हैं इसको अपन, ये एक्वस चेंबर, क्या कहा जाता है इसको, ये एक्वस चेंबर इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका स्पेलिंग वगैरह जो भी होगा देख लेंगे, ये क्या हो गया एक्वस चेंबर, ये हुआ यहां पर एक्वस चेंबर हुआ ये, ठीक है। एक्वस चेंबर मतलब इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर एक वाटरी सब्सटेंस, एक्वस, एक्वा, एक्वा मतलब क्या हो गया वाटर, तो यहां पर क्या होता है कि जल के समान एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, तो एक्वस चेंबर इज फिल्ड विथ, उस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ये एक्वस ह्यूमर, क्या कहा जाता है इसको, ये एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आए समझ में, तो ये जो एक्वस चेंबर है इसके अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड क्या कहलाएगा, एक्वस ह्यूमर कहलाएगा। और उसी तरीके से ये आपका लेंस है और ये आपका रेटिना है, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो चेंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस चेंबर को अपन क्या बोलते हैं, विट्रियस चेंबर। इस चेंबर को अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना है, ये विट्रियस चेंबर। और विट्रियस चेंबर के अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड क्या कहलाता है ध्यान रखेंगे, विट्रियस फ्लूइड या विट्रियस ह्यूमर, क्या बोलते हैं उसको अपन, विट्रियस फ्लूइड या विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। तो यहां पर तीन प्रकार के क्वेश्चन ध्यान देना आप, पहला क्वेश्चन आता है भाई लेंस किस चीज से बना हुआ है, तो लेंस बना हुआ है किससे, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो आपका एक्वस चेंबर है इसमें क्या भरा हुआ है, तो यहां पे भरा हुआ ध्यान रखना है एक्वस ह्यूमर, हिंदी में इसको बोल देते हैं आपका एक्वस, मतलब क्या हो गया जलीय, और ये क्या हो गया कचाब, कचाब मतलब ये कांच के जैसा आपने को दिखाई देगा, आएगा हमने, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं जली कचाब, यहां पे जल के जैसा या एक्वस एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है। और वैसे ही बोलता है विट्रियस ह्यूमर में क्या भरा होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है यहां पर भरा होता है ये म्यूकस के जैसा पदार्थ भरा होता है, यहां पर क्या भरा होता है आपका म्यूकस के जैसा एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं म्यूकॉइड, क्या बोलते हैं उसको आपका ध्यान रखना है, ये म्यूकस नहीं, इसको क्या बोलते हैं अपन, ये म्यूकॉइड। देखो ये मैंने बताया था ओआईडी, ओआईडी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वही चीज नहीं उसके जैसा, तो यहां पर जो सब्सटेंस भरा हुआ एग्जैक्ट म्यूकस नहीं है, वो क्या म्यूकस के जैसा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं म्यूकॉइड, उसको अपन क्या बोलते हैं म्यूकॉइड सब्सटेंस कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये स्टोरी हमारी जो आई बॉल का एक स्ट्रक्चर को आप देख रहे थे, ऑलमोस्ट हमारा क्या हो जाता है ये क्लियर हो जाता है। और ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, अभी आई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान देना है, अभी ये जो हमारा आई बाल वाला स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं इसका रिमेनिंग पार्ट अभी बचा हुआ है, जो कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा। तो उस नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है कि सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, यहां पर अपने को पढ़ना पड़ेगा किसका, अपने को जानना पड़ेगा क्या ये विजन किस तरीके से होता है, आया समझ में कि नहीं, ये आपका विजन या दृष्टि ज्ञान किस तरीके से होता है, मतलब यहां पर स्पेशली अपने को जानना पड़ेगा किसको, रॉड सेल्स, किसको जानना रहेगा अपने को, ये रॉड सेल्स, और दूसरा क्या आपका ये कौन सेल्स के बारे में अपने को डिटेल पढ़ना रहेगा। तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट वीडियो में अपने को ये दिखाई देगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट।